13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा महोत्सव संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्यों ने समूची दुनिया में धूमधाम से मनाया। बापू जी के करोड़ों शिष्यों द्वारा मनाए गए इस पर्व की सारी झलकियां हम आपको यहां नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ झलकियां आप जरूर देखिए। सभी आश्रमों में प्रमुख अहमदाबाद आश्रम, जहां दो दिन पहले से ही साधक जन आने शुरू हो गए थे, सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा बापूजी के व्यास पीठ पर बैठे होने पर चलता था। गुरुजी का दीदार करने के लिए साधकों की लंबी लाइन जस की तस दिखी। गुरुजी की पादुका का दर्शन करने ये साधक ऐसे उमड़ रहे थे मानो कोई दिव्य खजाना हाथ लग गया हो। आश्रम में साधकों की भीड़ बता रही थी आज साधारण दिन नहीं है। साधक की जितनी भीड़ हमें बड़ बादशाह के फेरे करती मिली, उससे कहीं ज्यादा आश्रम परिसर में आती जाती दिखी, और उससे भी कहीं ज्यादा भीड़ आश्रम पंडाल में नजर आई। हमें यहाँ कुछ ऐसे साधक मिले जो पिछले 40 वर्षों से, 22 वर्षों से, 15 से 20 वर्षों से गुरु पूनम पर इस आश्रम में माथा टेकने आते हैं। 10 साल आता हूँ मैं, ये साल भी आया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। 40 साल से मैं आती हूँ, यहाँ आने से मन को एकदम शांति मिलती है। घर परिवार में कुशल मंगल है, सब अच्छा है। हमारे बापूजी हमारे करीबी है, हमारे से दूर नहीं है। 10-12 साल से आते हम यहाँ। आमचे बापूजी 100% चांगले आहेत आणि निर्दोष आहेत आणि ते बाहेर येतील त्याचा आम्हाला आत्मविश्वास आहे। बापूजी हम तो बहुत ये दिल से उसको मानता है, क्योंकि जो कार्यक्रम चला रहा है ये मत पित्त पूजन दिवस बोल के, उसको हम देख के बहुत अच्छा लगा है, और जो काम करता है वो सही होता है, हम भी दिल में बहुत अच्छा लगता है। षड्यंत्रकारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमारे परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को जेल में तो डलवा दिया, लेकिन साधकों की श्रद्धा तोड़ नहीं पाए। हर गुरु पूनम पर इनकी श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती गई। इसी के बीच बापूजी के एक दुलारे ने ऐलान किया, षड्यंत्रकारियों तनिक इंतजार करो, अब बापू युग आने वाला है। कुछ समय में बापू युग आएगा, आएगा और आएगा, और सभी लोग इससे जुड़ के तब देखिएगा, सभी लोग बापू युग के पीछे दौड़ेंगे, और वो लोग अपने आप को ये अनुभव करेंगे कि हमने इतना समय क्यों व्यतीत किया, क्यों व्यर्थ कमा दिया। बापू जी बहुत बड़ी हस्ती है, अखिल ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई नहीं है, और अपने ही देश में पूरी दुनिया में इतना बड़ा असर आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि इतना ज्यादा सनातन को आगे बढ़ाने वाले संत के ऊपर आक्षेप लगा करके अंदर किया गया। संतों पे तो आज से नहीं होता, अनादिकाल से आरोप लगता रहा है, वो उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, और जो शिष्य है, जो पक्के शिष्य है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जोधपुर के अंदर भी आज मेला लगा हुआ है, यहाँ भी आज देख करके मुझे मैं भाव विभोर हो गया हूँ। मेरे को कोई ऐसा अनुभव हो ही नहीं रहा है कि बापूजी जेल के अंदर है कि कैसा है, कि जब भी मैं अंदर से याद करता हूँ मेरी हर मनोकामना भी पूर्ण होती है, और जब भी मैं कोई संकट में गिरा हुआ रहता हूँ तो बापूजी मेरे समक्ष ऐसे लगता है कि सामने खड़े हैं। अहमदाबाद से अब चलते हैं राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान का जोधपुर, यहाँ तो गुरु पूनम कुछ निराला ही मना। साधकों की एक टुकड़ी जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंची। बड़ी दूर दूर से आए ये साधक पिछले कुछ वर्षों से जेल मंदिर पर माथा टेक कर ही मनाते हैं अपना गुरु पूनम पर्व। आज हम सभी लोग गुरु के दर्शन के लिए आए, हमारे बापूजी निर्दोष है। बापूजी को 9 साल से अंदर रख के रखा है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि समाज सच्चा शिक्षा से और सच्चा संस्कार से वंचित रह रहे, जो आज की पीढ़ी है, जो आगे चल के भारत का भविष्य सुधार सकते, और वही पीढ़ी को अगर सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, सच्ची संस्कृति का ज्ञान नहीं मिलेगा, तो वो पीढ़ी आगे चल के भारत को बर्बाद भी कर सकती है। कम से कम 25 साल हो गए हैं दीक्षा लिए बापू, जो हमें बापू का अनुभव हुआ ना, आज तक किसी संत महात्मा का अनुभव नहीं हुआ, और बापू का दर्शन करने के लिए यहाँ आते तो बड़ा आनंद आता है।
जोधपुर आश्रम की तरफ से संकीर्तन यात्रा की व्यवस्था भी साधकों के लिए की गई थी, जिसमें साधकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सत्संग पंडाल में सभी साधकों ने व्यास पीठ के सम्मुख धूमधाम से नृत्य करके मनाया इस बार का गुरु पूनम पर्व। ये है पंचेड़ आश्रम। यहाँ पर ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका के प्रचार प्रसार में व्यस्त कुछ सेवादारियों ने ऋषियों के प्रसाद को घर घर पहुँचाने का संकल्प फिर से दोहराया। मध्य प्रदेश के इंदौर आश्रम में श्री गुरु पादुका जी का पूजन हुआ। सभी साधकों ने श्री गुरु पादुका जी का दीदार किया व अभिनंदन किया। फिर यहाँ कीर्तन यात्रा निकाली गई, जिसमें साधकों ने शामिल होकर धूमधाम से मनाया गुरु और शिष्य का पावन पर्व यानी गुरु पूनम। राजस्थान के बाड़मेर में जब श्री गुरु पादुका जी की कीर्तन यात्रा निकाली तो साधिका बहनों ने श्री गुरु पादुका जी के पहुंचने से पहले झाड़ू बुहारी करके जगह को साफ किया। इन बहनों ने मिसाल पेश की अपने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते की। कुछ कुछ जगहों पर साधकों ने माला पूजन करके मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव। गुजरात के भावनगर में साधकों का जमावड़ा अपने गुरु के प्रति भाव व्यक्त करने के लिए संपूर्ण भक्ति भाव से आरती गाते नजर आया। दिल्ली के करोल बाग में बापूजी के प्यारे बाल योगी जटाधारी गजानन वक्ता और साध्वी सुशीला बहन के सानिध्य में साधकों ने धूमधाम से मनाया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। यहां ऋषि प्रसाद पत्रिका का प्राकट्य दिवस भी धूमधाम से मनाया गया था। सुबह से शाम तक यह आश्रम खचाखच भरा रहा। गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में दिल्ली वाले भला कैसे पीछे रह सकते हैं। दिल्ली के रजोकरी आश्रम में भी साधकों की भीड़ अच्छी खासी नजर आई। बड़ बादशाह जी की परिक्रमा और श्री गुरु पादुका जी का पूजन यहाँ के मुख्य आकर्षण रहे। हरियाणा के रोहतक में साधकों को ऐसी लगन लगी थी कि संकीर्तन यात्रा और श्री गुरु पादुका जी का पूजन में आई साधकों की भीड़ का कोई पैमाना दिख ही नहीं रहा था। बापूजी के साधकों का जमावड़ा विदेशों में भी अच्छा खासा दिखा। अमेरिका के न्यू जर्सी आश्रम में 3 दिन तक साधकों ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। श्री गुरु पादुका जी का पूजन, बापूजी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हवन और भजन कीर्तन व नृत्य यहाँ की विशेष गतिविधियाँ गुरु पूर्णिमा पर नजर आईं। अमेरिका में कैलिफोर्निया में साधकों ने वाहन रैली निकाली और बापूजी की जय जयकार का उद्घोष किया। लगभग सभी केंद्रों और आश्रमों में गुरुजी की श्री पादुका जी का पूजन हुआ, क्योंकि श्री पादुका जी इन आश्रमों को ठीक वैसे ही संभाले हुए हैं जैसे त्रेता युग में एक कुबड़ी मंथरा ने षड्यंत्र रचा और भगवान राम जी को 14 वर्ष के लिए अयोध्या नगरी से दूर कर दिया था और उस समय भगवान राम जी की श्री पादुका ने अयोध्या नगरी को 14 साल तक संभाला था। आज ठीक वैसे ही हजारों केंद्रों, समितियों और आश्रमों में श्री गुरु पादुका जी अपना मुख्य काम कर रही हैं। इसीलिए साधक जन श्री गुरु पादुका जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में पीछे नहीं रहते, क्योंकि यह पर्व गुरु और शिष्य का पर्व है।
जहां कृतज्ञता और आशीर्वाद का गहरा नाता है।